morning, my dear students. How are you? I hope you are all fine. Today we will cover chapter number 6, the junk seller, part 1 of class 4, subject maths. Now let's see multiplication. हमें यहाँ कुछ multiplication दी है. जैसे हमें यहाँ 6 का table 2 times बोल रहा है. 6 1 are 6, 6 2 are 12. Yeah. हमें 2 का table 6 times बोल रहा है. जब हम 2 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12. 2 6 आर 12. मींस देखो या 6 2 आर 12 एंड या 2 6 आर 12 मींस आंसर जो है हमारा सेम है. जैसे क्या हम यहां 2 वैल्यू दी है 1 स्पेस में एंड 10 स्पेस में. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन 1 स्पेस के साथ करेंगे, ये 10 स्पेस के साथ. 4 1 आर 4, 4 8 आर 32. सेम हमें यहाँ याद रखना है, जब हम कोई भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो जीरो आता है. तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 4 8 32. सेम हमें आगे इस पार्ट में पार्ट 1 में मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है. नाउ स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, द जंग सेलर. जंग सेलर मीन्स कबाड़ी वाला. जैसे कि आपके घर की तरफ आता है, कबाड़ दे दो कबाड़ दे दो. आपके घर में जो रॉ मटेरियल रहता है और आप जिन्हें वो रॉ मटेरियल बेचते हो तो जो लेता है उन्हें क्या बोलते हैं? जंग सेलर. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ कुछ रॉ मटेरियल दिख रहा है. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाला? अ वुमन हु सेल्स जंग. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज अ जंग शॉप इन पटना. क्या आप कभी कबाड़ी वाले से मिले हो? यस, लुक एट द पिक्चर. आप देख सकते हो ये जो वुमन है इनका नाम है किरण एंड इनके एक जंग शॉप है पटना में. एंड ये जो स्टोरी है ट्रू स्टोरी है, मीन सत्य घटना है. किरण बोलते हैं, आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेटेड मैथ्स. Today maths is more useful for my work. I could never imagine this in school. वो बता रहे उनका एक विलेज था, मीन्स एक गाँव था, तो वहाँ उन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है. उनके फादर चाहते थे कि जो ये गर्ल्स थे ये बॉयज की तरह पढ़ सके. बता रहे हैं उन्हें हिंदी और साइंस मतलब जो सब्जेक्ट है वो अच्छे लगते थे. एंड जो मैथ्स था, मैथ्स से मतलब उन्हें पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था. कभी कभी आप लोगों को भी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहते हैं ना उस टाइप से. बट वो बोल रही है कि आज के जो इसमें उनके वर्क है, आज के वर्क में उनका मैथ्स का इतना यूज हो रहा है कि वो जब स्कूल लाइफ में थे तब उन्होंने इमेजिन भी नहीं किए थे कि मुझे कभी मैथ्स का इतना मतलब यूजफुल हो सकता है मैथ्स. व्हाट अबाउट इट? चलो अब आप बताओ. डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है? आई थिंक नो. व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? What do you think is easiest lesson? आपके मैथ्स बुक में आपके जो डिफिकल्ट थिंग्स कौन सी है एंड जो इजी लगता है जो लेसन वो कौन सा है वो आपको लिखना है. When I was young, my father died in an accident, so my mother worked as a servant in some houses. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. I wanted to study more, but my mother got me married. जब वो बड़े हुए मीन्स सेवन्थ एट्थ क्लास में थे तब उनके जो है फादर के डेथ हो गई, मीन्स एक्सीडेंट में डेथ हो गई. तो उनकी मतलब जो मदर थी वो सर्वेंट थी, कुछ होम में मतलब हाउसेस में नहीं क्या काम करने है उस टाइप से वो वर्क करते थे. एंड उनका जो उस टाइम का टाइम था वो डिफिकल्ट टाइम था, मीन्स बहुत ही कठिन समय था. फिर वो बोलते हैं कि मुझे और मतलब स्टडी करना था और पढ़ना था, बट उनकी जो मदर है उन्होंने उनकी शादी कर दी. My husband's family live in mud house. His two brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. वो बता रहे उनके जो हस्बैंड की फैमिली थी वो मतलब नॉर्मल फैमिली थी, मड हाउस पे हुई थी. एंड उनके हस्बैंड के टू ब्रदर्स थे एंड एक सिस्टर थी एंड वो भी स्कूल नहीं पढ़ते थे. एंड उनकी एक टी स्टॉल थी, मीन्स चाय की दुकान थी. फाइंड आउट हाउ मच फॉर ए कप ऑफ टी. Ask people and find out the cost of cup of tea. आपको people को पूछना है एंड उनकी cost लिखना है जो tea की. जैसे कि at a tea stall,
इंस्टॉलमेंट्स, जैसे वो ठेले वाले रहते हैं वहाँ पे जैसे चाय बेचते हैं तो उसका जो प्राइस है वो कम रहता है, एंड जब वो होटल वगैरह में जाओगे एंड जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसका जो टी का जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है। आप लिखोगे एट अ टी स्टॉल अ कप ऑफ टी कॉस्ट ₹5 ₹5, एंड एट अ होटल ए कप ऑफ टी कॉस्ट ₹10 ₹10। मीन्स मतलब जैसे फैसिलिटी बढ़ती है वैसा प्राइस बढ़ता है। If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? एक पर्सन है वो एक दिन में ₹30 उसको प्रॉफिट मिलता है तो वो 10 दिन में उसके कितने रुपीज होंगे? आप अब एक दिन के ₹30 तो 10 दिन के कितने रुपीज, तो आप जब 30 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा ₹300। आप लिखोगे यहाँ अर्निंग इन 10 डेज इक्वल टू ₹300 एंड इन अ मंथ। अब मंथ में जो है अप्रोक्सीमेटली 30 डेज होते हैं, तब अब आपको एक दिन के ₹30 तो 30 डेज के कितने रुपीज, तो आपको 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 करोगे तो आपका जो आंसर है वो 900 आ जाएगा। आप लिखोगे अर्निंग इन अ मंथ इक्वल टू ₹900। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और ए टेलर शॉप, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। अब उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किए तो उन्होंने स्टार्टिंग में बैंगल शॉप ओपन किए एंड एक टेलर शॉप ओपन किए, बट उनके जो अंकल थे उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि जैसे जंक शॉप होता है वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो फिर उन्होंने जंक शॉप ओपनिंग किए। In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of ₹8,000 for the shop. 2001 में उनकी mother-in-law means उनके सास एंड वो उन्होंने एक junk shop open किए एंड ये मतलब लोन लिए कितने का ₹8,000। Find out what is loan. अब लोन क्या होता है, जैसे कि आप अपने पापा या मम्मी से ₹10 लेते होगे एंड उनको बोलते होगे कि पापा मैं आपको 11 या 12 डेज में आपको रिटर्न करूंगा। जब आप 11वें दिन या 12वें दिन देते होंगे ₹10 की जगह 11 या 12 रुपीज, तो आप जैसे 1-2 रुपये ज़्यादा देते हो एंड आपके पापा का 1-2 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। तो यहाँ आपको लोन के बारे में दिया है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लुक हियर, आप देख सकते हो ये हरिया एंड ये बाबू है, तो ये एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, वो एक हैंड कार्ट ले रहे हैं, हैंड कार्ट के लिए वो ₹300 लोन ले रहे हैं। जैसे कि आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ, आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक, बाबू से। बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुनीलाल, आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू? हमें फाइंड आउट करना है कि जो ज्यादा जो पैसे है कौन दे रहा है, हरिया दे रहा है कि बाबू, हमें फाइंड आउट करना है। आप लिखोगे हरिया हैज टू पे ₹51 एवरी मंथ फॉर ए 6 मंथ, टोटल मनी हैज 51 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू ₹306। हरिया कितने रुपीज रिटर्न कर रहे हैं, 306 एंड बाबू 360 रुपीज। आप लिखोगे यहाँ हेंस बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी। पीपल लव एंड टीज अस अबाउट अवर वर्क, दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस, बट आई डिड नॉट थिंक सो अ न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। अब पीपल जो थे उनके वर्क के ऊपर हंस रहे थे, उन्हें बोलते थे ये गंदा काम है और डर्टी बिजनेस है, बट उन्होंने किसी की केयर नहीं की एंड अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू करते रहे। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रिज अ टीवी एंड ए गैस स्टोव, माय हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर्स एंड आल्सो माय डॉटर्स गो टू स्कूल। अब देखिए उनके बिजनेस में उन्हें इतना प्रॉफिट मिला कि उनके जो हस्बैंड के ब्रदर्स थे सिस्टर थे वो एंड उनकी भी एक खुद की डॉटर थी वो भी स्कूल पढ़ने लगे एंड उनका भी जो हाउस है वो पक्का हाउस हो गया, उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, ये सारे उन्होंने मतलब ले लिए। आई हैव 9 रिक्शास ऑफ माई ओन, आई गिव द रिक्शास ऑन रेंट
इज फॉर ₹20 अ डे ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। आप देख सकते हो यहाँ हमें कुछ रिक्शा दिखाई दे रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं उनके पास 9 रिक्शा है एंड वो जो रिक्शा है वो रेंट पे देते हैं, मीन्स किराए से देते हैं, एंड एक दिन के जो उनके मतलब प्रॉफिट है वो रिक्शा के ऊपर ₹20 है। हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। अब एक रिक्शा के से ऊपर उनके ₹20 मिल रहे हैं, तो अब 9 रिक्शा के ऊपर उन्हें कितने रुपीज मिलेंगे हम फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे। आप लिखोगे फ्रॉम 1 रिक्शा शी अर्न इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू ₹20। फ्रॉम 2 रिक्शा शी अर्न, अब वो एक रिक्शा के ऊपर ₹20 ले रही है, अब 2 रिक्शा के ऊपर 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू ₹40 सेम। फ्रॉम 3 रिक्शा शी अर्न ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू ₹60। अप टू शोर आपको ऐसे 9 तक मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम 9 रिक्शा शी विल अर्न इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल टू ₹180। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 9 टू आर 18, मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 9 टाइम्स 20। ये आपको दूसरे 2 मेथड्स दी हैं, आपको चेक करना है, आपको जो मेथड इजी लगे उससे आपको क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करना है। जैसे कि आपको यहाँ 200 माइनस 20 करोगे तो आपका जो आंसर है 180 आ जाएगा। सेम आपको पढ़ना है पूरा। इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जैसे 1 रिक्शा को जब वो एक पूरे वीक में देंगी तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो एक रिक्शा के ऊपर उसे ₹20 मिल रहे हैं, अब एक वीक में उसे कितने मिलेंगे। जैसे कि सपोज आप देख सकते हो एक वीक में 7 डेज होते हैं, आप लिखोगे देयर आर 7 डेज इन अ वीक, इन 1 डे किरण विल अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा इक्वल टू ₹20, सो इन 7 डेज किरण विल अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा इक्वल टू ₹20 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू ₹140। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे कि यहाँ 6 टू 12 लिखोगे आप, फिर यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 एंड 6 टू 12 मीन्स 120। सेम यहाँ पे आपको 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 0 एंड 6 टू 12 मीन्स इसका भी जो आंसर है वो आपका 120 आएगा। सेम आपको जैसे कि ये आपको 3 मल्टीप्लाइड बाय 42 करो या 42 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, आपका जो आंसर है सेम आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 126। ये सारे आपको सॉल्व करना है अपने नोटबुक में। आई हैव माई वन स्मॉल जंक शॉप, आई बाय जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स, दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट, आई देन सेल इट एट द बिग शॉप। वो बता रहे हैं कि उनकी खुद की एक जंक शॉप है एंड जो जंक कलेक्टर्स होते हैं उनके पास से वो जंक लेते हैं एंड एक जो जंक सेल की जो बड़ी बिग शॉप है वहाँ वो बेचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो या उनके पास कुछ वर्कर्स भी है। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, फाइंड आउट करना है कि वो कितना पे करती है। किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर, लुक एट द नेक्स्ट पेज द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट, हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज पेपर। अब देखा है जैसे क्या लिखा है, 1 kg न्यूज पेपर कॉस्ट ₹5, 30 kg कॉस्ट ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू ₹150। हमें फाइंड आउट करना है जैसे कि 1 kg न्यूज पेपर है उसकी कॉस्ट कितनी है ₹5, हमें फाइंड आउट करना है 1 kg की 5 rupees, तो 31 kg के kg न्यूज पेपर के प्राइस कितनी होगी। हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज पेपर इक्वल टू ₹5, सो द कॉस्ट ऑफ 31 kg न्यूज पेपर इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 31। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 5 are 5 एंड 3 5 are 15 ₹155। हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 31 kg न्यूज पेपर इक्वल्स टू
RS 155। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 समझा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।